ये जयकारा था, ये जयकारी थी। पता नहीं इन्हें नींद आ रही है इनका। और बीच में दूसरा पर हुआ देखो, इतना है कि बैठ जाओ भैया, पंडाल में बैठो, पीछे के बैठ जाओ, पीछे वाले कुछ करके खा लो यार। बोलो 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 बोलो, जयकारा तेज बोला जाता है। बोली वृंदावन में हरि लाल की। ओ भैया पीछे बार खूब बोले जे तो जिते मोई आ देखत है। तेज बोलो, देखो मूछ की ओर देखो, ये तो माता बहन है लगी परी है। बोलो बोलिए सत्यानंद भगवान की। देखो है जा लगी पात्र गज्जू, इतने तो भेड़ बकरिया आवाज आ रही है, मतलब माता बहन की तरफ से कम आती है। बोलो तेज करके, होली गंगे मैया की। हाँ जोर है गंगा मैया तई मारे, बोली सही जी ने बोले। तो भाई ये ध्यान दीजिए कथा की तरफ। और महाराज संत महात्मा जो हैं तो ये आसन लगाए इधर बैठ जा करके, पीछे बैठे हैं वो तख्त पर बैठा। चलो सही है, अच्छा खटिया थोड़ी नहीं, ये चारपाई नहीं है। अच्छा जमीन तो ऐसा ही तख्त, अच्छा वो बात सही है, कोई बात नहीं। बोलिए श्रीमद् भागवत महाप्राण की। हाँ अब मालूम पड़ रही कछो कथा है रही है रही होले लई है। तेज बोलो इधर। श्री सुखदेव जी कहने लगे उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर एक दिन यशोदा मैया सुबह उठ करके और अपने काम काज में लग जाती है, और जब काम काज में लग जाती है तो कन्हैया जागे कहने लगे मैया मुझे बहुत तेज की भूख लगी है, अगर माखन रोटी हो तो दे दे। यशोदा मैया ने कन्हैया को माखन रोटी दी है। कन्हैया ने यशोदा मैया की परीक्षा ली के देखते हैं माँ को दूध प्यारा है या पूत। तो उसी समय कन्हैया ने योग माया द्वारा दूध में उफान दे दिया, और तब तक एक ग्वाल ने चिल्लाई यशोदा मैया तुम्हारे दूध में उफान आ रहा है, अपने दूध को बचा लो जा करके। यशोदा मैया कन्हैया को गोद से बिठा करके धर भागी। कन्हैया कान लगे वारी मैया के बात सच है, दूध प्यारा है बल कपूत नहीं प्यारा है। देखना कभी भी माताएं अगर दूध फैल जाए और उसे तुरंत हाथ से लीपने के बाद में उसे पुचकारती हैं तो बताया है भगवान कन्हैया कहने लगे बारी मैया तुझे दूध प्यारा है बल कपूत नहीं प्यारा है। सबसे ज्यादा क्या प्यारा है मालूम है? हाँ सबसे ज्यादा है इनके बठिया के कंडा। जित बात सही है, सबसे ज्यादा पूत से ज्यादा दूध से ज्यादा जित बात सही है। एक पथनोरे में फूट गयो, तुम्हें लड़ाई कराने हो तो जाओ पथनोरे में जाओ, जहाँ कथा रही होते दो इतने के होते कद्दे उठाए क्या फिर देखो इन्हें। हाँ बात तो सही है बिना न मालूम कौन सा अंटी ना कौन किधर कौन सा चैनल कैच कर ली। सही बात है। तो आज यशोदा मैया कन्हैया को छोड़ करके भागी है अपने दूध को बचाने के लिए। कन्हैया ने ग्वाल वालों को इशारा दिया, कहा कि आ जाओ आज हमारे घर में चोरी करना आरंभ कर दो। तुम्हारे घर में? हाँ तुम्हारे घर में अगर माखन होता तो तुम द्वार द्वार क्यों भटकते? देख भैया आज मेरी मैया घर है ना है। और देख मेरे घर में मटकी पे मटकी लगी, आ जा आज मेरे घर में चोरी कर ले। चोरी करने से क्या मैया देती नहीं माखन क्या? नहीं आज तो चोरी करके ही खानो। सो ऐसी कौन सी बात छुपी है? नहीं बिल्कुल नहीं, केवल चोरी करके खानो कोई बात ना है, तू आ जा। अब आएगी मैया फिर आएगी तो तुम बात जाइयो हम रह जाइए। चलो ठीक है
कन्हैया ने ग्वाल वालों को बुलाया है, चोरी करने लगे कन्हैया, मटकियां फोड़ने लगे, मटकियां फोड़ते जा रहे हैं एक तरफ, ढेर लगाते जा रहे हैं, और जब ढेर लगाते जा रहे हैं तो इधर यशोदा मैया जब आई है, देखा है कि मेरे घर में दही मई की कीच है। यशोदा मैया ने हाथ में डंडा लिया और मारने के लिए चली, और जब मारने के लिए चली है उसी समय मेरे भक्तों कन्हैया रोने लगे, ग्वाल वाले सभी भाग जाते। कन्हैया कहने लगे, मैया मैंने ग्वाल वालों को बड़ा समझाया, कहा कि मैया मेरी मारेगी, मेरे घर में चोरी ना करो, लेकिन ये नहीं माने, मुझे भी मारा, मेरे घर की सारी मटकियों को तोड़ डाला। यशोदा मैया कहने लगी, अच्छा आज लंबा सा हाथ में डंडा लिया और मारने की कोशिश की, कन्हैया रोने लगे। तो उसी समय यशोदा मैया ने कहा कि आज मैं तुझे मारूंगी नहीं, बांध करके डालूंगी। तो आज यशोदा मैया कन्हैया को बांधने लगी, बांधने लगी। कलशवाली देव कन्याएं कितनी आ गई, ऊपर को हाथ उठाना, गिनती लगाना, कलशवाली की देव कन्याएं केवल एक एक हाथ उठाओ, अब गिनती लगाई कह जानी हो, और दोनों दई हो तो फिर जकाऊ के दुख तो हाथ पाए हो तो सब उठाए ली कह जानी हो। इक्कीस कितनी गलत बात है बताओ। दो कलश वाली देव कन्याएं खड़ी हो जाए और गोवर्धन को बना ले जा करके एक टेबल ले लें।